दोस्तों कभी कभी कुछ सब्जियों का नाम क्यों पड़ता है हमें पता नहीं। ये जो सब्जी पर्टिकुलर आप देख रहे हैं इसका नाम पड़ा है वेज कोल्हापुरी। अब कोल्हापुरी क्यों है पता नहीं लेकिन बनाते हैं। तो दोस्तों आइए बनाते हैं पनीर कोल्हापुरी। इसके लिए हमने सब्जियों को जो है ना पहले फ्राई कर लिया था। तो ये हमने लिया एक छोटा सा आलू है, फ्रेंच बीन्स हैं, फिर ये गाजर हैं, शिमला मिर्ची है, इन सबको फ्राई किया है। टमाटर और प्याज को फ्राई नहीं करना है, ठीक है। फिर हमें लगेगी ग्रेवी बनाने के लिए कुछ सामग्री। इसके लिए हमने लिया है एक बड़ा टमाटर, एक बड़ा प्याज, फिर मगज के बीज हैं, काजू हैं, फिर एक दालचीनी का टुकड़ा है, फिर ये है बड़ी इलायची और काली मिर्चें, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कश्मीरी लाल मिर्च हमने ली थी 4-5, उनको उबाला, उसमें लहसुन डाला, थोड़ी अदरक डाली और उसकी पेस्ट बना ली। इसी पेस्ट से कोल्हापुरी सब्जी का कलर आएगा। और ये क्योंकि मिर्ची में पकती है, मिर्ची की ग्रेवी होती है लगभग, इसलिए वो कोल्हापुरी है। और बिकॉज ये पनीर कोल्हापुरी है तो पनीर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। धानी ने बोला कि पापा आप पनीर तो भूल गए, तो मैंने पनीर के क्यूब्स भी फिर यहाँ पे ऐड किए। तो चलिए हम प्रोसीजर शुरू करते हैं ग्रेवी बनाने का। सबसे पहले ग्रेवी बनाने के लिए हमने ये लिया है पैन। अच्छा, ये पैन के बीच में आपको ये सारे दाग दिख रहे हैं ना, तो ये दाग भैया जब तक रहेंगे जब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होगा, लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो ऑफकोर्स थोड़ी टीआरपी बढ़ेगी, टीआरपी बढ़ेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो नया पैन आएगा। तो चलिए शुरू करते, बकवास करते बंद। हमने डाला है तेल, ऑब्वियसली तेल ही डालेंगे। तो तेल डाला है छौके के लिए, लेकिन आप बोलेंगे ऑब्वियसली तेल कैसे डाला है, हम इसमें और भी चीज़ें डालेंगे। ये हमने डाला है दालचीनी, बड़ी इलायची और काली मिर्ची, जो कि हमने आपको बताया था कि ग्रेवी में लगेगी। तो ये जब पकने लगे ना तो आप बच्चों को वहाँ से दूर हटा देना, मैंने भी हटा दिया था। फिर हमने डाला है प्याज, क्योंकि ये जो है ना काली मिर्ची ये फूट फूट के बाहर आती है, 2-4 बार आई है इसलिए मुझे पता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी तेज आंच में पकाना है, जैसे एकदम ढाबे स्टाइल पे पकाते हैं, तो ये सब ढाबे स्टाइल वाली सब्जियां हैं तो एकदम तेज आंच पे पकती है, कम आंच तो होनी नहीं चाहिए। तो प्याज एकदम भुन जाए, उसके बाद हमने ऐड किया है काजू और मगज के बीज। तो ये दोनों पदार्थ जो है खाद्य पदार्थ, इन दोनों खाद्य पदार्थ को भी आप ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लो, वैसे एकदम तेज। हालांकि ये वीडियो जो है ना मैंने थोड़ा फास्ट मोड में कर दिया है, नहीं तो मैं जितनी बकवास कर रहा हूँ आप बोर हो जाओगे। तो हाँ, अब मैंने टमाटर ऐड कर लिया। टमाटर ऐड करने के बाद फिर मैं फास्ट मोड में इन सब चीज़ों को चलाऊंगा, जैसा कि सब वीडियो में चलता है वैसे ही। मुझे यार दोस्तों बताओ, आपको ये चीज़ें एकदम जल्दी जल्दी झटपट झटपट देखने में मज़ा आता है क्या? कोई लिखता है कि 2 मिनट में बनेगा फटाफट, 3 मिनट में बनेगा फटाफट, और सॉरी मैंने नमक ऐड किया है, वो मैं आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर बता देता हूँ। तो ये नमक ऐड किया है और इसके बाद मैं अपने ग्रेवी बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। और हाँ, ग्रेवी बनाने से पहले आप दालचीनी और बड़ी इलायची जो है अलग से निकाल देना, उसको पीसना मत। तो ये हो गया, इसको हम ठंडा करके पीस लेंगे, गरम गरम मत पीसना वरना जो है ना आपके ग्राइंडर के ढक्कन में गैस हो जाएगी भाप और वो फूट के बाहर आएगा, ऐसा 3-4 बार हुआ है। तो हम उसी पैन को हमने लिया है और हम लेंगे बटर। ये सब्जी हम बनाएंगे बटर में, ठीक है। तो बटर लिया ढेर सारा, बटर को आप गरम आंच पे अगर चला रहे हैं तो ध्यान रखना कि बटर जल ना जाए, और बटर जलने लगे उससे पहले आपको सारी चीज़ें ऐड करनी शुरू कर देनी है। तो हमने यहाँ पे ऐड किया सबसे पहले जीरा, ऑब्वियसली जीरा किंग है, फिर मिर्ची है कोल्हापुरी इसलिए मिर्ची डालनी है, और तेजपत्ता, और ये एक लाल मिर्च, कोल्हापुरी सब्जी की पहचान है लाल मिर्च, मेरे ख्याल से इसीलिए इसका नाम है वेज कोल्हापुरी, क्योंकि कोल्हापुर में बहुत तीखा बहुत खाते हैं। मैंने वहाँ पे एक बार मिसल खाई थी, इस तरह की एकदम तीखी थी, एकदम लाल इस तरह की। तो ये पूरा मिर्ची का पेस्ट है बॉस, मिर्ची का पेस्ट है जिसमें थोड़ा सा लहसुन है और अदरक है, ओके। इसको बहुत तेज से भूनना है, और ये जब आप डालोगे ना तो किचन में धुआं धुआं, खुशबू पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, इसलिए आप ध्यान रखना, आप हो सकते खांस सकते हैं या ऐसी छींके आएगी आपको, जो मिर्ची से आपको होता है वैसा होगा, ठीक है। और इसमें पानी ऐड करते जाना वरना मिर्ची जल गई ना तो सब्जी का टेस्ट जो है ना
खराब हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि यार क्या बनाता है यार तू, कमेंट में ऐसे लिखते हैं आप। तो ये मैंने पीस लिया है सारा, और पीस के इसमें ऐड कर लिया, और फिर हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और भूनेंगे। ये ग्रेवी जो है ना अच्छे से भूननी चाहिए। तो दोस्त मुझे है ना कमेंट पता नहीं ऐसे ऐसे आते हैं कि आपने क्या बता दिया, मैंने तो ऐसा बनाया बनाई नहीं। एक दिन मैंने मुझे किसी ने कमेंट किया कि वो जो मेरे सूरती ढोकले की रेसिपी थी मैंने 50 लोगों के लिए बनाया लेकिन वैसे बना नहीं। भाई 50 के लिए क्यों बनाते हो, आप पहली बार बना रहे हो। ये बीच में मैंने हल्दी ऐड की है, कुछ धनिया पाउडर ऐड किया और मिर्ची पाउडर ऐड किया। तो मैं बोल रहा था कि अगर आप पहली बार बना रहे हो तो अपने लिए बनाओ, एक आदमी के लिए बनाओ, थोड़ा सा बनाओ, फिर आपका थोड़ी सी एक्सपर्टीज हो जाए तो दो चार के लिए बनाओ, 50 के लिए तो मैंने भी नहीं बनाया भाई आज तक। तो हाँ, ये मैंने पानी ऐड किया, और ग्रेवी को पकाना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैं आपको पका रहा हूँ वैसे आप ग्रेवी को पकाइए। और जैसे मीडिया जो आजकल सुशांत के केस में पूरी चीज़ों को पका रही है, वैसे वैसे आपको क्या लगता है इस केस में आगे क्या होगा? खैर जो भी होगा, आजकल दिमाग में यही चलता रहता है, सब अखबारों में भी यही चलता है, सब जगह यही चल रहा है कि रिया ने ऐसा किया था क्या। खैर अब हम इसमें जो फ्राई की हुई सब्जियां हैं वो ऐड कर देंगे। तो ये हमने ऐड कर दिए। खैर जो भी हो, कोर्ट उसका निर्णय लेगा। हम निर्णय लेने वाले कौन हैं, हम तो बनाएंगे खाना और मज़े से खाएंगे। तो हमने सारी सब्जियां ऐड कर दी, ठीक है, ग्रेवी एकदम थिक हो चुकी है। अब इस ग्रेवी को जो है आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से लिक्विडिफाई कर सकते हैं पानी वानी ऐड करके, ठीक है। अब तक मैंने इसमें खाली नमक तभी डाला था जब मैंने इसकी मेन ग्रेवी बनाई थी। तो नमक आपको कब डालना है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद, पानी वानी ऐड करने के बाद, अगर आपको लगे कि नमक ऐड करना है तब ही करना, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि आप अगर लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये सब चीज़ें करेंगे ना तो मतलब थोड़ा हौसला बनेगा, और मैं भी कुछ चीज़ें खुल के बनाऊँगा। मतलब ये थोड़ा सा पैन नया ले आऊँगा, चम्मच नया ले आऊँगा। ये मैंने कसूरी मेथी का पाउडर जो है हाथ से मसल के, मतलब उसको कसूरी मेथी को सेक के ऐड किया था। थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। तो ये सारी चीज़ें, और वैसे मैं ये सारी सामग्री जो है ना वैसे डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, तो सामग्री तो आपको वहां से मिल जाएगी। और इस तरह से हमारी सब्जी होगी रेडी। इसको पराठों के साथ खाओ या तंदूरी रोटी के साथ खाओ, बहुत मज़ा आएगा। आप ये मेरी बीवी जी ने फोटो ली है जो कि इंस्टाग्राम पे अपलोड होगी, तो आप भी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर देखना। और ये है दामू की रसोई, ढेर सारा प्यार दीजिए। नमस्कार।